हेलो स्टूडेंट, आज हम फॉर्मेट बी देखेंगे। ए में हमने देखा था कि आपको हफ्ते में एक दिन जो आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका कंप्लीटली डेली जो रोज पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हफ्ते में एक दिन का। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि स्कोरशीट फॉर रिफ्लेक्शन लॉग ऑन फोकस लेसन, तो जो फोकस आपने लेसन का किया तो ये फॉर्मेट बी है, ठीक है, आपके लेसन प्लान में। तो ये जो है इसको आपको किसके बेस में करना है, जो स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है उनके रिफ्लेक्शन, उनकी प्रतिक्रिया। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया, उनका प्रतिक्रिया। कि जैसे मान लो अभी हम देखते जाएंगे इसको, तो उनकी प्रतिक्रिया के वो ऑब्जर्व करके आपको इसमें फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेनी आपका नाम आएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन कितने समय का आपने जो क्लास लिया है वो ड्यूरेशन आएगा आपका, यहाँ पे 30 मिनट्स का या 35 मिनट्स जितने देर आपने क्लास ली है, कौन सा क्लास आपने पढ़ाया है वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेशन आएगा ए बी सी जो भी लिया है क्लास, अगर आपने एट्थ ली है तो एट्थ डालेंगे, ठीक है, और सेशन देंगे यूनिट ऑफ टीचिंग। तो यूनिट ऑफ टीचिंग है मतलब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं करना है कि यहाँ यूनिट ऑफ टीचिंग यानी कि उसके नीचे क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ये है, ये स्कोर कार्ड बना हुआ है आपका। स्कोर कार्ड में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका लेवल है, ओके। तो 0 यानी कि कम मतलब बिल्कुल भी नहीं है, 1 यानी थोड़ा, 2 यानी 3 और 4 मैक्सिमम। तो यहाँ फर्स्ट वाला हम देखेंगे पॉइंट कि हमको छात्र प्रतिक्रिया पर मापदंड देना है या फिर पेशेंट और स्टूडेंट रिस्पांस, जो आपने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की क्या रिस्पांस है वो देखेंगे। तो फर्स्टली है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंड और वेरिड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो भी नीतियां इस्तेमाल की हैं, मतलब विधि विशिष्ट या विविध नीतियों के पहचान करने की क्षमता, निर्देशक नीतियों की, यहाँ पे आपने जो पढ़ाया तो वो पढ़ाई के लिए आपने कोई विधि इस्तेमाल की है, तो उस विधि को आपने सही तरीके से जाना है कि नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने विधि सही चूज करी है कि ये विधि के द्वारा मैं आज लेसन प्लान पढ़ाऊंगा, तो आपके में परफेक्शन है यानी कि आपका स्कोर जाएगा चौथे पे। मतलब यहाँ पे बच्चों पे देख के, बच्चों का रिएक्शन देख के आपका फीड करना है, क्लियर है ये। यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पांस है, स्टूडेंट रिस्पांस इसको हिंदी में लिखा हुआ है छात्र प्रतिक्रिया, ठीक है। मतलब आप जब पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ाने के बाद आपने कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन किया, बोध प्रश्न किया जिससे समझ में आ गया कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद आपने क्या किया था, पुनरावृत्ति प्रश्न किया था, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने पूरे लेसन को रिपीट किया, रिकॉल किया। उसके बाद आप क्लासवर्क दिए, क्लासरूम में ये चीज समझ में आई कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और होमवर्क से उनको कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे और डेवलपमेंट क्वेश्चन जो किया था उससे ये पता चला था कि हम उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेथड आपने इस्तेमाल किया, तो मेथड में आप व्याख्या विधि, प्रयोगशाला विधि या आपने स्टोरी टेलिंग या जो भी मेथड आपने यहाँ पे यूज किया है उस मेथड को यूज करने के साथ, तो उनका जो उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका परफॉर्मेंस जो भी रहेगा स्टूडेंट का, उससे आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। यदि उनका कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस, बोध प्रश्न वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग है, तो आप ये मत सोचिए कि आप फोर्थ में टिक लगा रहे हैं और उनका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका लेवल 2 या 3 में जाएगा, ओके। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल टू सपोर्ट द स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपने जो विधि इस्तेमाल की है नीतियों का समर्थन करने की क्षमता, तो एग्जाम्पल टू सपोर्ट, आप विधि के साथ में जो टेक्निक यूज कर रहे थे तो टेक्निक जो इस्तेमाल किए हैं उस टेक्निक के लिए आपने कौन सी चीजों का आपके में क्वालिटी है, ठीक है, कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए
कौन सी चीजों को यूज करें। विधि मैंने आपको बताया एक ही यूज करना, टेक्निक आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो दो तीन, है ना। तो विधि में आप अपनी जैसे एग्जाम्पल के लिए व्याख्या ले रहे हैं, तो इस व्याख्या के साथ में आपने उदाहरण लिया, उदाहरण टेक्निक लिया, प्रविधि ली, या आपने डेमोन्स्ट्रेशन लिया, प्रदर्शन भी प्रविधि ली। तो ये जो थी कि यहाँ पे सपोर्ट द स्ट्रेटेजी, क्या कौन सी प्रविधि या कौन सी टेक्निक जो है इसको प्रॉपर सपोर्ट कर रही है जिसको आपने चूज किया। यदि आपका मैक्सिमम है तो फोर अच्छा है तो फोर्थ में जाएगा, और अगर एवरेज है तो टू और थ्री में जाएगा। ओके, ये क्लियर करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कनेक्टिविटी अक्रॉस डिसिप्लिन, अनुशासन में संयोजकता। यहाँ पे कनेक्टिविटी अक्रॉस द डिसिप्लिन, जब आप लेसन को एक्सप्लेन कर रहे थे, या आप लेसन प्लान कर रहे थे, या क्वेश्चन कर रहे थे, या आपने क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किया, ये स्टार्टिंग से ना इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, फिर उसके बाद में टॉपिक लिखना, फिर टॉपिक के बाद उसको व्याख्या करना, विकासात्मक प्रश्न करना, उसका आंसर देना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी ग्रुप में आंसर मत लीजिएगा। आप कभी भी आपको आंसर लेना है उस समय आप हैंड उनके हाथ रेस कराइए कि भाई किसको पता है, आप हाथ उठाइए और एक के बाद एक आंसर को पूछिए। और कभी भी बच्चों को ये चीज नहीं बोलना है कि आपका गलत है, आपको ये बोलना है कि नहीं और अच्छा हो सकता है और बताइए, ऐसे बोल के आप उनको बैठाओगे। कभी भी आप उनको ये करोगे नहीं कि आप आंसर गलत दे रहे हैं, ये कभी भी आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्रिएटिव अक्रॉस द डिसिप्लिन, यहाँ अनुशासन में संयोजकता, बच्चे शांत है, वातावरण शांत है, बच्चे सुन रहे हैं शांतिपूर्वक और आपके साथ इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा है तो फोर में जाएगा। यदि बच्चों में आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप दो या तीन के लेवल में हैं। यदि बच्चों के बीच में बातचीत चल रही है, वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लो में वन, यानी कि आपका कैटेगरी जो होता है मापदंड प्रतिक्रिया का, आपके प्रति उनका रिस्पॉन्स लो है, ये चार वेरी हाई है। ओके, उसके बाद फोर्थ है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैलियों की पहचान करने की क्षमता, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने ऐसा क्या चीज उनको करा है, कौन से स्टाइल से किया जिससे कि उनकी लर्निंग की कैपेसिटी जो थी वो अच्छी हो गई। ठीक है, तो बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुसार आपका स्कोर बन रहा है। तो यदि वो ने वाकई में उनका कॉन्सेप्ट लिया है, क्लियर है और वो लर्न कर लिए तो फोर आएगा, नहीं तो आपका थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन फिफ्थ में देखेंगे एग्जाम्पल टू रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैलियों के अनुसार प्रतिबिंबित करने के लिए उदाहरण। यदि बच्चे अच्छे से सीख लिए हैं, समझ गए हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्स उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, या फिर वो अपने आंसर के थ्रू दे सकते हैं। तो आपका अगर उनकी लर्निंग की कैपेसिटी सीखने की शैलियों के अनुसार, मतलब आपने जो स्टाइल अपनाई है लर्निंग की, कि आपने जो मेथड यूज किया, जो टेक्निक यूज की, और आपने जिस तरीके से इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है, और आपने अपने बोलने के तरीके से उनको बांध के रखा हुआ है, लर्निंग करवाई है, तो जो आपका जो स्पेसिफिक आपका एम ऑब्जेक्ट है वो अगर आप अचीव कर लिए हो, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट में ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपका फोर्थ पॉइंट पे, या फिर अगर कम हुआ है तो थर्ड पॉइंट पे जाएगा। तो एबिलिटी सिक्स पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, एबिलिटी टू डिस्प्ले पर्सनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत प्रतिबिंब प्रदर्शित करने की क्षमता। कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, तो आप इंडिविजुअली देख पाओगे कि हर बच्चे में, अगर मान लो आपने क्वेश्चन करा तो मैक्सिमम हाथ रेस हो रहे हैं, इट मींस आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन मैक्सिमम कर रहे हैं, तो आप फोर्थ दोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हर एक व्यक्ति इतना इंटरेस्ट लिया आपके पढ़ाने में कि वो आप हाथ उठा के नहीं मैं जवाब दूंगा, मैं आंसर करूंगा, इट मींस वो ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, नोट किया और वो लर्न किया। तो जब उसकी लर्निंग है तभी उसका दिमाग वहां है और उसके बाद में आपका रिफ्लेक्सेशन यहाँ पे दिखता है। फिर सेवंथ है यहाँ पे
एग्जाम्पल रिफ्लेक्टेड इन सपोर्ट ऑफ पर्सनल, उदाहरण व्यक्तिगत प्रतिबिंबों के समर्थन में परिलक्षित होते हैं। तो जो आप उनको दोगे उसके हिसाब से आपकी प्रतिक्रिया दिखेगी कि आप थर्ड में गए हो कि फोर्थ में गए हो। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेगा कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार ही भरेगा। तो आप लोग यहाँ जब फिलअप करेंगे इसको तो बिल्कुल ध्यान से कि मैक्सिमम हाई हाई शुरू से मत करिएगा, क्योंकि आई नो दैट कि इसको आप खुद यूज करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से प्रोग्रेस शुरू होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ, किसी में फोर्थ होना चाहिए किसी में थर्ड होना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट में आपका बहुत बेस्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका सेकंड और थर्ड और फोर्थ में आपका नहीं गया। लर्निंग स्टाइल, आपका एक चीज अगर हाई जा रहा है इट मीन सब हाई जा रहा है, यदि एक लो जा रहा है तो आपका सब लो जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर करके ये चीज को समझ पे करिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है एट पॉइंट। एट पॉइंट में ग्रुप कंफर्मेटिव, तो ये है समूह अनुरूपता। जब बच्चे जो होते हैं एकदम एक्टिव हो जाते हैं और सही रूप से एक ग्रुप में वो लोग को क्यूरियोसिटी होती है कि आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई हाँ, आप उनको देखोगे कि उनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सारे ग्रुप में एक दूसरे से उन लोग कंसल्ट करते हैं, नहीं नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा या रिस्पॉन्स जो रहा। तो जब ग्रुप में आपको कंफर्मेटिव मिल रहा है इट मीन्स आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है नाइन्थ। नाइन्थ है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्टिविटी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ये चीज देखना है कि आपकी जो गतिविधि थी, नीतियों में योगदान, आपकी जो एक्टिविटी थी वो आपका कितना सपोर्ट करी, ओके। तो जैसे गतिविधि में कैसा होता है कि बच्चे जो है वो तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्टिवनेस जो है वो दिखेगा बच्चों के प्रति कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज करी है उसमें आप कितने एक्टिव रहे। उस एक्टिवनेस को अगर आपने बना के रखा है तो यहाँ पे आपका स्कोर हाई जाएगा, ओके। उसके बाद है दस। टेंथ पॉइंट जो है एक्सेप्टेंस इन ग्रुप सोलो एक्टिविटी ऑन स्ट्रैटेजी, समूह एकल गतिविधि या नीतियों में स्वीकृति। यहाँ पे मैक्सिमम अगर बच्चे ग्रुप में या सिंगल में अगर सही तरीके से उन्होंने लर्न किया है इस मेथड को, उसके बाद सारी चीजों को, टेक्निक को, क्लियरिटी को, कनेक्टिविटी को, तो और इसके आपकी लर्निंग के स्टाइल, आपके सब चीजों को अगर वो सही जा रहे हैं तो यहाँ एक्सेप्टेंस भी मैक्सिमम जाएगा। अगर दोनों में हो रहा है इट मीन्स गुड परफॉर्मेंस है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप स्कोर कार्ड में टिक नहीं करेंगे, इसको आपको टिक लगाना है इसमें। तो आपको ये बिल्कुल समझ के चलना है कि जो मेथड आपका बताने में आपका हाई था, आपकी मैक्सिमम पहचान करने के मतलब बच्चों, आपने जो मेथड बताया वो एकदम बढ़िया था, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो वेरी हाई फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नीति भी हाई होगी क्योंकि भाई मेथड को सपोर्ट टेक्निक करेगी। तो टेक्निक अगर सही रहेगी और अगर डिसिप्लिन मेंटेन है तो ये दोनों मेथड आपके हाई स्कोर में चले जाएंगे। उसके बाद में सीखने की शर्त, तो लर्निंग भी हाई जाएगी क्योंकि भाई मेथड सही है, टेक्निक हाई है और आपका क्लास का एनवायरमेंट बिल्कुल लर्निंग वाला है, तो लर्निंग भी हाई जाएगी। उसके बाद में आपका जो लर्निंग के कारण में आपका जो स्टाइल है, मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि सीखने की शैली के अनुसार प्रतिबिंबित, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे कि ये रिफ्लेक्ट हुआ है उदाहरण के रूप में, आप उनको कुछ भी पूछोगे तो वो उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो वो भी हाई जाएगा। आप पर्सनली भी देखोगे कि उनने पर्सनली उन्होंने ग्रास किया है कि नहीं किया, ग्रहण किया है कि नहीं किया, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। उदाहरण द्वारा व्यक्तिगत समर्थन में परिलक्षित भी होते हैं क्योंकि बच्चा जो होता है वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो उसके सामने रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद ग्रुप में भी देख सकते हैं हम कि ग्रुप में वो किस प्रकार से आंसरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। लेकिन आपको ग्रुप में आंसर नहीं लेना है, ये आपका माइनस पॉइंट होगा, ओके। आपको सिंगल हैंड रेस करके वन बाय वन आपको हर एक को चांस देखना है और ये नहीं कि एक ही बच्चे से पूछ रहे हैं, सारे बच्चों को पूछना है। आपका आई कॉन्टेक्ट हर बच्चे के साथ होना चाहिए, क्लियर है, ओके। उसके बाद समूह एकल गतिविधियां नीतियों में स्वीकृति, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ग्रुप में अच्छे हैं तो सोलो में भी अच्छे होंगे, तो आपकी दोनों एक्टिविटीज जो स्ट्रैटेजी है
आपकी एक्टिविटीज ये सारी इसमें स्कोर कार्ड में बच्चों के रिस्पॉन्स से आपकी क्वालिटी पता चलेगी। क्लियर है? फिर नीचे में आप यहाँ पे एनी अदर रिमार्क्स बाय द ट्रेनी, यहाँ पे आप रिमार्क्स करवा सकते हैं कि भाई आपका कुछ भी चीज वीक है तो उसको आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। जैसे मान लो हो सकता है कि आपने मेथड या टेक्निक, मेथड आपने बेस्ट यूज करी लेकिन अगर आपकी प्रविधि या टेक्निक जो है वो आपके थोड़ी सी लो हो गई तो उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, या फिर डिसिप्लिन में आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि डिसिप्लिन को और बेटर बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद में आप ये भी हो सकता है कि लर्निंग के लिए जो आपने स्टाइल यूज करी थी, मतलब बच्चों को सिखाने की जो स्टाइल यूज करी थी उसमें कुछ चेंज आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक ही फॉर्मेट में एक ही चीज नहीं होना चाहिए, डे टू डे ये चीजें जो होना चाहिए इसमें आपका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप में क्या होना चाहिए, प्रगति दिखनी चाहिए। आप शुरू से तो बेटर नहीं होगे, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट की रो में आपको चलना है। क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ पे आपका मेंटर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। ओके, तो यहाँ मैंने इसको राइट डाउन नहीं किया है, आपके फॉर्मेट में यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आपका मेंटर जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चों को देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये हो गया, यहाँ आपका सिग्नेचर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे फॉर्मेट सी। ओके, थैंक यू।